नाजरीन, वेलकम टू योर फेवरेट शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से अपना बहुत सारा फीडबैक हमें बताने के लिए, हमें वो सारे के सारे एडवाइजेस भेजने के लिए। और आपकी ऐसी ही कुछ सलाहों पे हम लेकर आए हैं हमारा आज का शो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आई केयर के बारे में। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब से कोरोना के बाद हमने अपनी स्क्रीन्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, हम दिन में कम से कम 8 to 10 hours स्क्रीन्स के आगे बिताते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स में हो, चाहे फिर एक हाउसवाइफ अपने घर में क्यों ना हो, तो ये जो स्क्रीन टाइम है ये आपकी आईज को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, आपको अपनी डाइट में कौन कौन से मल्टीविटामिन्स और विटामिन्स को ऐड करना चाहिए, आपको ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो हेल्प करेंगी आपकी आईज के आसपास की सभी मसल्स के लिए, यही होने वाला है हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला सेगमेंट, जिसमें हम चलेंगे जिम में और हम वहां पर करेंगे कुछ बेहतरीन वर्कआउट मूव्स। तो हम अपने जिम में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं सुबह सुबह बड़े ही अच्छे मौसम में एक पार्क में हूं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, आलस कर जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हम अब स्टार्ट करेंगे पर नहीं करते हैं। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि आप घर पर ही रहकर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास किसी भी पार्क में या किसी खाली मैदान में जाके आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बाइसेप्स वर्कआउट। और बाइसेप्स वर्कआउट या कोई भी वर्कआउट हो, उससे पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले आपको वार्म अप करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ले लेंगे, अगर आपके पास एक इलास्टिक हो तो मैं इलास्टिक से आपको वार्म अप करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक इलास्टिक बैंड है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपको ये ऐसे हाथ में पकड़ना है और धीरे धीरे स्लो स्लो इसे ऊपर बाइसेप्स कर्ल की तरह, जैसे बाइसेप्स कर्ल करते हैं, बिल्कुल उसी वे में आपको लेके जाना है। और ये हाथ बिल्कुल आप नीचे लेके जाएंगे और देन ऊपर लाके स्क्वीज करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे स्क्वीज करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इसको ऊपर लाके और आप इसको वो मसल्स को, जिसे कहते हैं हम माइंड मसल कनेक्शन, तो वो आप नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी किसी भी एक्सरसाइज में, वार्म अप में, किसी भी बॉडी पार्ट में। तो आप धीरे धीरे से स्क्वीज करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, फिर स्क्वीज करेंगे, फिर धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो ऐसे ही आप एक सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों से कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि हाथ नीचे बिल्कुल प्रॉपर आपके खुलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां तक जा रहे हैं और फिर यहीं से वापस, ये नहीं होना चाहिए। आपको पूरे हाथ आपको खोलने। तो दोस्तों, ये था आपका वार्म अप। और दूसरा वार्म अप मैं आपको बता दूं इससे, जो कि हम कहते हैं हैमर। और हैमर जैसे कि हम डंबल से करते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। आपको ये इलास्टिक बैंड ऐसे पकड़ना है और आपको बिल्कुल जैसे है हम हैमर कर्ल करते हैं उसी तरीके से आपको करना है, स्लो स्लो बिल्कुल करना है, नीचे एकदम धीरे लेके जाना है आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप 3 सेकंड का समय लें नीचे ले जाते हुए। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, 3, 2, 1। तो इसे ध्यान से देखना दोस्तों, आपको ज़्यादा वाइड नहीं पकड़नी है रॉड, जस्ट लाइक दिस। जो रॉड में, मोस्टली रॉड में क्या होता है कि वो ग्रिप रहती है ऑलरेडी, बिल्कुल सीधे। और जब नीचे लेके आएंगे दोस्तों, आप एकदम स्लो लाइक दिस, स्लो धीरे धीरे लेके आना है, धीरे एकदम। ये आपको दोस्तों 15 रेपिटेशन करनी है। कोशिश करनी है कि 12 से 15 के बीच में करें, लेकिन 12 तो आपको मिनिमम करने ही करने। अब दोस्तों, इसमें मैं गलतियां बताता हूँ कि लोग गलतियां क्या करते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं। एक तो वो थोड़ा सा ईगो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो ना करें।
उससे भी इंजरी मोस्टली आती ही आती है कि वेट हैवी लगा लेंगे लेकिन आपका मूवमेंट बिल्कुल गलत रहेगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, उल्टा आप अपने शरीर पे नुकसान ही पहुँचाएंगे। तो डंबल को लेंगे हाथ में और इसी तरीके से हम इसे रोटेट करेंगे, घुमाना है डंबल को और ऊपर लाते हुए दोस्तों स्क्वीज करना है। स्क्वीज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, स्क्वीज करने से क्या होगा कि आपकी मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करेगी और मसल इफेक्ट करेगी तो आपकी ग्रोथ होगी, मसल ग्रोथ। तो दोस्तों इसी तरीके से स्क्वीज करें और सेम जैसे कि मैं हर उसमें बताता हूँ कि आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए बॉडी मूवमेंट इस तरीके से ना करें, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और एकदम सिर्फ अपने हैंड को मूव करना है, जस्ट लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बताई हुई एक्सरसाइज बहुत ही पसंद आई होंगी और मेरे को बिल्कुल उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइज का लुत्फ़ भी उठाएंगे जो मैंने बताई और आप इंजरी से बचेंगे। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें तो गाइडेंस में रह के करें दोस्तों, और इसी तरीके से हमारी और भी एक्सरसाइज और भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आदाब दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे आज का वर्कआउट्स? प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करेंगे किसी भी तरह का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, और क्योंकि ये सभी वर्कआउट्स वेट्स के साथ होते हैं तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं ये वर्कआउट्स आपके पूरे के पूरे मस्कुलर स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर, आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाने में। तो आप सोचिए जिस तरह से आप एज करते हैं आपकी बॉडी का सिस्टम फ्रेल होता जाता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ इस तरह से वर्कआउट्स करते रहेंगे तो आप अपने मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहेंगे। और अब हम चलते हैं अपने योग के सेगमेंट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं वो सारे के सारे आसन्स के बारे में, वो सारे के सारी मुद्राओं के बारे में और वो सारे के सारी मूव्स के बारे में जो हेल्प करेंगी आपकी आई हेल्थ के लिए। सो जनरली ब्लिंकिंग, कपिंग, ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी आईज से उस ब्रेक को देने के लिए। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए अपने स्क्रीन से जुड़े रहते हैं तो कोशिश करके इन सभी की सभी योग आसन्स को अपने शेड्यूल में ऐड करेंगे, इफ नॉट एवरी आवर बट देन एटलीस्ट एवरी 2 to 3 hours। तो चलिए हम चलते हैं अपने योग की सेगमेंट। कोमलता के साथ आंख को खोलेंगे। नमस्कार, मैं समीक्षा नेहरा आज आपका स्वागत करती हूँ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के हमारे योग के प्रोग्राम में। तो आज का हमारा विषय रहेगा आईज केयर, कि हम योग से कैसे अपनी आंखों के स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख सकते हैं या फिर कोई भी जो भी आईज में स्ट्रेन है कैसे उसको दूर कर सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि आंखों पे आजकल तनाव क्यों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करते हैं तो लैपटॉप पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो फ़ोन पे या टैबलेट पे करते हैं, अगर मनोरंजन की बात करें तो गेम खेलते हैं तो भी स्क्रीन पे खेलते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो वो भी स्क्रीन पे है, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे जा रहा है। अब जो ब्लू लाइट है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, और आजकल के बच्चे तो डार्क रूम रहता है उसमें फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो आँखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। उसके बाद में हमारी जो भी टेंशन्स हैं, जो भी ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा टेंशन है, सभी जगह तनाव बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी आँखों पर सबसे पहले तनाव आता है। जैसे कि कहते हैं कि हमारी आईज हमारा दिल होता है, अगर हमारा दिल दुखी है तो हमारी आँखों में वो दुख या फिर आँखों में वो खुशी दिख जाती है कि आज हम खुश हैं आज हम दुखी हैं। तो ये कहाँ से झलकता है? हमारे मन से, हमारे विचारों से या फिर हमारे तनाव या स्ट्रेस के लेवल से। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं
कुछ योगा अभ्यास जिनके द्वारा आप अपनी आंखों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी षटकर्म की एक क्रिया को जिसका नाम है जल नेति। ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है आंखों के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। दूसरा, ये जो हमारे फेस पे चार तरह के साइनस होते हैं, साइनसेस को क्लीन करता है। किसी को बहुत क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है जिसकी वजह से ना उसको खुशबू आती है, छींकें आती हैं, सर में दर्द, फेस में दर्द, माइग्रेन, हेडेक, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जल नेति इन सब को क्योर करता है। और जल नेति की एक अच्छी बात ये है कि आप इसको रोज कर सकते हैं सुबह को उठने के बाद में, और इसको 5 साल से लेके बूढ़े तक के जो लोग होते हैं उनको कर सकते हैं, और इससे आंखों की रोशनी और जो भी स्ट्रेस होता है वो बहुत जल्दी दूर होता है। तो आइए जानते हैं जल नेति को हम करें तो करें कैसे। जल नेति के लिए आपको मार्केट से लेना है ये एक पॉट, इसमें आपको यूज करना है गुनगुना पानी, ल्यूक वॉर्म वाटर, और उसमें आपको सॉल्ट डालना है स्वाद अनुसार। आप इसको चक्के देख लीजिए, उसमें नमक होना चाहिए। वो आपके नमक क्या काम करता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी किल करता है अगर पानी से कुछ जा रहा है तो, और ऑस्मोसिस में भी हेल्प करता है। मतलब पानी बहुत ज़्यादा हमारा जो जहाँ से पानी जाता है वो वाला एरिया सोखता नहीं है पानी को, वो ऐसे ही निकल जाता है, बहुत कम ही पानी अंदर रहता है। अब दूसरी बात, ये जल नेति से लोग डरते हैं कि अंदर पानी जाएगा तो दर्द होगा, कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें किसी तरह का कोई ना दर्द होता है ना कठिनाई। बस इसको सावधानी से किसी भी एक्सपर्ट की निगरानी में आप इसको करिए। तो उसके लिए आप अपने फ्लोर पर मैट पर खड़े हो जाएंगे, आपके पास एक क्लीन टॉवल होना चाहिए जिससे आप अपने बाद में जो प्रैक्टिस के बाद में आप अपने नोज को क्लीन कर सकते हैं। तो उठ जाएंगे, अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे बीचों बीच। अब इसके लिए आपको अपने हाथ को पीछे रखना है, अपने राइट हैंड से पॉट को पकड़ना होता है, आगे की तरफ थोड़ा झुकेंगे और जो पॉट का नॉस्ट्रेल है उसको अपनी नाक पे लगाना है और गर्दन को थोड़ा टिल्ट करना है। और बस नॉस्ट्रेल में लगाने के बाद में मुंह से सांस लेनी है, मुंह को खुला रखना है। तो इस अभ्यास को आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी आपकी नाक से निकलना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। फिर हटा लीजिएगा पॉट को और उसको नोज को क्लीन कर लीजिए अपने प्लेस पर। फिर दूसरे साइड से करने के लिए पॉट को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, पॉट के नॉस्ट्रेल को इंसर्ट करेंगे नोज में और पानी खुद ब खुद गर्दन टिल्ट करते ही निकलना शुरू हो जाएगा। मुख को आपको खोल के रखना है, मुंह से श्वास भरनी है। इसके बाद में क्या करना है, अपने टॉवल से अब अपनी नोज को क्लीन करेंगे। अब क्योंकि थोड़ा रिमेनिंग पानी हमारे सर में और हमारे नॉस्ट्रिल में रह जाता है, तो उसके लिए क्या अभ्यास है, अपनी जगह पर खड़े होने के बाद ही दोनों पाम्स को नीज के ऊपर प्लेस करेंगे और नाक से श्वास को बाहर फेंकना है जिससे कि जो भी पानी है वो अटका है तो वो बाहर आ जाएगा। इस कुछ कुछ इस प्रकार से धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद में अपने मैट पर बैठ जाइए आप नीज को बेंड करते हुए। इसका काउंटर पोज भी हम करेंगे जल नेति का, जो कि है शशांक आसन। जल नेति करने के बाद कुछ क्षणों के लिए आप 5 मिनट के लिए शशांक आसन में रिलाय करेंगे, उससे जो भी आपका सर में अगर कुछ पानी की बूंदे रहती है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। मैं करके आपको बता देती हूँ। आप अपने एंकल्स पर बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सामने की ओर देखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को पूरा लाई डाउन कर देना है फ्लोर पर। आप अपने फोरहेड को फ्लोर पर टच करेंगे और होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को, धीरे से वापस आ जाएंगे जब आपको लगे कि नाक में किसी भी प्रकार का कोई पानी की बूंदे नहीं है। वापस बैठेंगे किसी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन में। तो अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं जो कि है त्राटक। त्राटक भी हमारी आईज एक्सरसाइज में ही काउंट होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी
आईसाइट को शार्प करने के लिए, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को हाई करने के लिए, तो इसको भी आप बचपन से, बच्चे लोगों को भी इसको करा सकते हैं। बस आप थोड़ा एज का ध्यान रखिए कि 5 ईयर्स के बाद ही आप त्राटक बच्चों को कराएं, और आप इसको आईज को शार्प करने के लिए कभी भी इसको आप करा सकते हैं किसी भी एज को। तो हम देखते हैं त्राटक की क्रिया। तो त्राटक की क्रिया में हम सबसे पहले अंगूठे पे फोकस करेंगे। तो हम अपने अंगूठे को पहले राइट साइड में लेकर जाएंगे। हमारी नजर, हमारा फेस तो सामने रहेगा, लेकिन हमारी नजर हमारे अंगूठे के साथ साथ घूमेगी, फिर घूमते हुए ही वापस आएगी। तो धीरे से अंगूठे को शिफ्ट करिए और सिर्फ अपनी नजर को शिफ्ट करेंगे। हाथ को अपने कंधे के पास तक लेकर जाएंगे सीधा, जहां तक आप देख सकते हैं। आंखों को थम पर लेकर रखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे आपके थम पर। धीरे से अंगूठे को ही देखते हुए वापस सामने की ओर। अभी हाथ को चेंज कर लेंगे, राइट हैंड को नीचे लगाइए, लेफ्ट हैंड को ऊपर। अब लेफ्ट थम को आपको देखना है। लेफ्ट थम को देखते हुए लेफ्ट हैंड को पूरा खोलेंगे, फेस सामने, सिर्फ नजर घूमेगी। धीरे से नजर को घुमाएंगे, हाथ के साथ साथ आपकी आई मूव करेगी, और जितना आप अपने थम को देख पाएंगे उतना देखेंगे। होल्ड करेंगे, आईज पर थोड़ा सा स्ट्रेन आने देंगे, धीरे से वापस लेकर आएंगे अंगूठे को। हाथ को नीचे कर लीजिए। तो ये था राइट साइड में और लेफ्ट साइड में त्राटक का अभ्यास। अब हम करेंगे नॉस्ट्रल पे और आईब्रो सेंटर पे। तो हमने अपनी नोज की टिप पर देखना है, तो उसके लिए हाथों को नॉर्मली भी रख सकते हैं या फिर ज्ञान मुद्रा में प्लेस कर लीजिए जी। तो अभी आपका ध्यान पूरा आपकी नोज की टिप पर चला जाएगा। थोड़ी देर तक देखते रहना है जब तक आंखों में थोड़ा पानी ना आ जाए, फिर हल्का सा आंखों को बंद कर लेंगे और नॉर्मल होने के बाद आंखों को खोल लीजिए। अब हम देखेंगे आईब्रो सेंटर पे। तो उसके लिए आंखों को ऊपर रोल करना है और आईब्रो सेंटर पर देखेंगे। वी बनना चाहिए, यहाँ पे आपको वी बनते दिखना चाहिए। होल्ड करके रखेंगे, धीरे से आंखों को क्लोज करते हुए क्रिया को समाप्त करेंगे। अभी हमारा अगला प्रैक्टिस होगा पामिंग एंड कपिंग। तो उसके लिए आंखों को यहीं से बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में हीट प्रोड्यूस करेंगे, अपनी आईज पर हल्का सा प्रेस करेंगे, आंखों को अंधेरे में रखेंगे और उजाले में लाएंगे। आंखों को खोलेंगे नहीं, वापस से पाम्स को रब करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, आंखों के ऊपर प्लेस करेंगे। अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए जी। अब हम करेंगे कपिंग की प्रैक्टिस। तो कपिंग के लिए आपको जो हाथ है आपके कप की तरह की शेप में बनाएंगे, आईज पर प्लेस करेंगे और आंखों को अंदर ही खोलेंगे, अंदर ही बंद करेंगे, अंदर ही खोलेंगे, अंदर ही बंद करेंगे, और उसके बाद में धीरे से हाथों को हटा और धीरे से आंखों को खोलेंगे बंद रखने के बाद जी। तो शुरू करते हैं, रखेंगे हाथों को कप की शेप में बना के, आंखों को अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। अब आंखों को बंद रखिए, धीरे से हटाएंगे इसको और बड़ी कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे जी। तो ये था हमारा योग अभ्यास आंखों का ख्याल रखने के लिए। जो भी योगा अभ्यास आपको बताए गए हैं, उन सभी को आप किसी भी एक्सपर्ट की ही निगरानी में करें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं समीक्षा नेहरा, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते हमारे इसी प्रोग्राम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये सारी की सारी योग की एक्सरसाइजेस? कितनी ही सिंपल एक्सरसाइजेस थी। आप सोचिए अगर आप इन बेसिक मूव्स को हर दिन करके अपनी आई की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनकी आंखों की शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक अपनी आंखों को कमजोर होने से बचा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे इन्हें हर दिन। तो आइए अब हम चलते हैं अपने डाइट के सेगमेंट में। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपकी जो वर्कआउट्स हैं, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप उसके साथ साथ अपने डाइट और न्यूट्रिशन की गेम को नहीं संभाल रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने वर्कआउट किया है तो उसके साथ साथ आपकी डाइट में वो सारे विटामिंस जो ऐड होने चाहिए, वो सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो ऐड होने चाहिए आपकी आई को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारे के सारे विटामिंस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फूड आइटम्स जो आपको बनाने हैं अपनी डाइट का पार्ट, ये सब सीखेंगे हम अपने न्यूट्रिशन सेगमेंट में। तो चलिए हम चलते हैं अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेगमेंट में। वेलकम टू आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट। आज हम बात करने वाले हैं वो सभी टिप्स की जो आप यूज कर सकते हैं अपनी आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस विंटर्स में। तो सबसे पहला है गाजर का जूस, कैरेट जूस, और जिसको सिर्फ कैरेट का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसको हम बोलते हैं ABC जूस, मतलब एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। इन तीनों की तीनों फूड आइटम्स को आप मिला के सुबह इसका एक जूस पिएंगे। ये बहुत ही रिच है एंटीऑक्सीडेंट के लिए अंदर, प्लस आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये तीनों के तीनों जो फूड आइटम्स है ना, इनको अगर आप जूस के फॉर्म में नहीं खाना चाहते तो आप इनको रॉ भी खा सकते हैं, बट कच्चा नहीं खाएंगे। चाहे वो गाजर हो, चाहे वो बीटरूट हो, एप्पल्स को आप डायरेक्टली खा सकते हैं, बट बीटरूट और गाजर को हल्का सा आप चाहे बॉयल कर लीजिए, चाहे विसल कर लीजिए, चाहे वेजिटेबल की फॉर्मेट में खा लीजिए, उसको आप डाइजेस्टिबल फॉर्मेट में ही खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे। अगर जूस बना सकते हैं तो जूस में पी लीजिए, अदरवाइज उसको हल्का सा बॉइल करके अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और विंटर्स में बहुत ज्यादा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं ना, दे आर अमेजिंग फॉर योर आई साइट। सो मेक श्योर कि आप दिन में एक जूस का गिलास जरूर लेंगे और एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खाएंगे। बेस्ट पार्ट इज कि आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके साथ खाइए, क्योंकि सबका बहुत ही कम टेस्ट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने का, लेकिन ये जो स्पिनच है, ये जो मेथी है, ये बहुत हाई होता है उन सभी के सभी विटामिंस और मिनरल्स में जो आपकी आईसाइट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आजकल के टाइम में जब हम बहुत ज्यादा लंबा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नीड है कि आपकी डाइट में आप किसी तरह से कैरेट्स को और किसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को तो जरूर ऐड कीजिए। उसके साथ साथ आपका बेसिक जो एक वाटर इनटेक होता है, जो आपके नट्स एंड सीड्स होते हैं, जो एक प्रॉपर बैलेंस प्लेट होनी चाहिए मील्स की, वो आप खाएंगे ही। तो इसके साथ साथ जो आपका एक बैलेंस्ड फूड प्लेट होता है वो तो आप खाएंगे ही, मतलब आपके फूड प्लेट में एक रफेज होना चाहिए, फाइबर का कंटेंट होना चाहिए, आप जिस तरह के कार्ब्स ले रहे हैं वो भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, लेकिन इन सभी के साथ एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल पूरी विंटर्स आपकी आई हेल्थ के लिए आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। न्यूट्रिशन के टिप्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत फैंसी आइटम्स खाने से या बहुत महंगे आइटम खाने से ही कुछ चेंज नहीं आता है। बहुत बेसिक रेसिपीज जो आप अपने किचन में बना सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली खा सकते हैं, उससे आपकी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, उससे जो चेंजेस आएंगे ना आपकी आपकी बॉडी में, आपकी फिजिक में, आपकी हेल्थ में, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और ये सारी की सारी जो भी टिप्स हमने आपको दी हैं, इनको रेगुलरली अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने के लिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन आदाब, मीनल पाचक।
वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी।